फ्लावर प्लांट है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स. क्लियर? सो नेक्स्ट मूव टू लेट्स क्रिएट. ओके, कुछ क्रिएटिव करना है इसमें. इन ग्रुप्स ऑफ फाइव गो टू योर स्कूल गार्डन एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट यू सी ऑन अ चार्ट. मेक अ टेबल एज शोन बिलो. ऑल्सो ड्रॉ लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स दैट यू सी. सी ये एक प्रोजेक्ट है, बट नाउ वी आर नॉट एबल टू डू सम प्रोजेक्ट्स बिकॉज बाहर कोरोना सिचुएशन है. सो मैं कोई भी आपको प्रोजेक्ट दूंगी तो आपको बाहर लेने के लिए जाना पड़ेगा. सो ये थोड़े दिन के लिए हम स्किप करते हैं. ओके, सो हम ये चार्ट करते हैं. देखिए, ओके, यहाँ पे लीफ ऑफ द प्लांट ड्राइंग. यहाँ पे इस पार्ट में हमें लीफ को ड्रॉ करना है. और क्या करना है, इज इट बिग और स्मॉल, वो आइडेंटिफाई करना है. जो भी हमने लीव्स लिखा है वो प्लांट बिग है या स्मॉल आइडेंटिफाई करना है. आर द स्टेम्स सॉफ्ट और वुडी, वो भी आइडेंटिफाई करना है. डज द प्लांट हैव वीक स्टेम्स, वो भी आइडेंटिफाई करके हमें लिखना है. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं ये नीम लीव्स किया है. अब सबको दिख रहा है, दिस इज नीम लीव्स. तो नीम लीव्स क्या है, कहाँ से आता है, नीम ट्री से. तो ट्री कैसा है, बिग और स्मॉल, बिग है तो यहाँ पे बिग लिखना है. और उसका स्टेम सॉफ्ट रहता है या वुडी रहता है, उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग एंड वुडी रहता है तो यहाँ पे वुडी मेंशन करना है. डज द प्लांट हैव वीक स्टेम्स, नो, क्योंकि ट्री का स्टेम वीक नहीं रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है. ओके, यहाँ पे नो लिखना है. यहाँ पे देखिए मैंने कोरिएंडर ड्रॉ किया है, मतलब कोशिश किया है. सो माय ड्राइंग इज़ नॉट गुड. सो दिस इज कोरिएंडर. ओके, सो कोरिएंडर प्लांट्स कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, ट्री से भी और श्रब्स से भी स्मॉल रहते हैं. ओके, तो उसका कैसा रहता है स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन रहता है. तो हमें यहाँ क्या लिखना है, सॉफ्ट स्टेम. ओके, डज द प्लांट हैव वीक स्टेम, नो, क्योंकि क्रिपर और क्लाइंबर्स के स्टेम ही वीक रहते हैं, बाकी श्रब और हर्ब के स्टेम इतना वीक नहीं रहते हैं. ओके, आपको दिख रहा है ये पूरा पिक्चर, मैं एक मिनट साइड में दिखाती हूँ. ओके, अब नोट डाउन कीजिए. फिर हम आज एक्सरसाइज ई और अनस्क्रैम्बल वर्ड्स करेंगे. ओके, चैप्टर के अनस्क्रैम्बल वर्ड्स. सो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स कैसे हमें करना है. तो आपको जितना मैंने हार्ड वर्ड्स लिखा है, आप वो हार्ड वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाता है. इसके लिए आपको क्या करना है, हार्ड वर्ड्स लर्न करना है. सिर्फ हार्ड वर्ड्स लिखना नहीं होता है, हार्ड वर्ड्स लिखते लिखते आप लर्न करेंगे तो ही ये पॉसिबल है अनस्क्रैम्बल वर्ड्स लिखना. ओके, सो इन नोटबुक, ओपन योर नोटबुक एंड पेंसिल एंड इरेजर. फर्स्ट चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टुडेज डेट एंड पेज नंबर 5. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर अनस्क्रैम्बल वर्ड्स. सो फर्स्ट वन, आर यू बी एच एस, इट बिकम्स श्रब. एस एच बी आर ई, इट बिकम्स हर्ब्स. ओ टी आर ओ, इट बिकम्स रूट. एल ए टी एल, it becomes tall. M S T S E, it becomes stems. Okay, so these are unscrambled words, write down in notebook. Okay, so iske baad hame kya karna tha, index ko maintain karna tha. Okay, so serial number 4, today's date, unscrambled words. सो हमने कौन सा पेज नंबर पे लिखा है,
5 पेज नंबर पे लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट वही इंडेक्स क्वेश्चन आंसर आज हम कर रहे हैं, वो है सीरियल नंबर 5, टुडेज डेट, क्वेश्चन आंसर एंड 6 और 7, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन आंसर है वो 2 पेज नंबर पे हुआ है। आई होप आपका भी ऐसा ही होगा। ओके, तो आपको ऐसे मेंटेन करना है इंडेक्स। एक बार देख लीजिए, पहले अनस्क्रैम्बल वर्ड्स, फिर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बिकॉज यू हैव 2 डेज टाइम लाइक सैटरडे एंड संडे, तो आप क्वेश्चन आंसर तब तक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड साइजेस। ये क्वेश्चन क्या है कि 5 डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स को आपको लिखना है और वो कैसे दिखते हैं वो भी आपको लिखना है, लाइक बिग, स्मॉल, सॉफ्ट, स्टेम, ये सब हमें लिखना है। ओके, मैंने कीवर्ड्स में लिखा है तो आपको याद है, तो उसमें थोड़ा शॉर्ट करके मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया है। ट्री, बिग एंड टॉल प्लांट विथ अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी मेन स्टेम ट्रंक इज कॉल्ड अ ट्री। ओके, श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। क्लाइंबर्स, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो अपराइट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ओके, नाउ क्रीपर्स, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट ग्रो along the ground are called creepers. Kids, I know this is very long answer, but we have to do this, bacha. Okay, so you have time, because this video is made on Friday, so it will come on Friday, so you have 2 days, Saturday and Sunday. So please write down question answers in your notebook, 4-number notebook. Okay, so question 2, name any 5 main parts of a plant. Okay, so 5 main parts are root, stem, leaf, flower and fruit. These are 5 main parts of plants. Okay, सो वाई डू प्लांट्स नीड रूट्स, मतलब प्लांट्स को रूट की क्या ज़रूरत है, विदाउट रूट वो ग्रो नहीं हो सकते? नो, नॉट पॉसिबल, रूट के मदद से ही वो स्टैंड होते हैं प्लांट्स। ओके, इट इज़ द पार्ट दैट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, इट ऑल्सो टेक्स इन वॉटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट, बिकॉज रूट का यही काम है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रहता है वो स्टोर करके बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए रूट इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, सो योर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू ग्रीन प्लांट्स नीड टू मेक फूड। ओके, सो ग्रीन प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट, एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड। ओके, सो आई विल सेंड दिस पिक्चर, क्वेश्चन आंसर ऑफ पिक्चर। ओके, सो बाकी ये जो एक्टिविटी है, लाइक दिस एक्टिविटी, मैं सेंड नहीं करूँगी, आप पॉज करके देख सकते हो। ओके, इवन अनस्क्रैम्बल वर्ड्स भी, क्वेश्चन आंसर का पिक मैं सेंड कर दूंगी, हो सके तो अनस्क्रैम्बल वर्ड्स का भी मैं सेंड कर दूंगी। ओके, सो बाकी का आप जो है, आप जब मैं बताती रहती हूँ तभी आपको लिखना है, क्योंकि इतने मिनट्स का वीडियो बना रहे हैं तो इसी में आपका लिखना भी हो जाएगा।
ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम, ओके। जब भी हम बोलते रहते हैं तभी आप लिख लेंगे ये अपने बुक में, तो आपका टाइम सेव होता है इसीलिए, ओके। सो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट चैप्टर। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइजेस इन टेक्स्ट बुक एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन आंसर्स इन नोटबुक एंड इवन हार्ड वर्ड्स एंड अनस्क्रैम्बल वर्ड्स, ओके। इसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वर्कशीट रिमेनिंग है अभी, ओके। आपका जो वर्कशीट, आई होप यू हैव ऑल गॉट वर्कशीट फ्रॉम शॉप। सो हम कल मीन्स मंडे से हम वर्कशीट वर्क शुरू करेंगे, ओके। सो हमारा टेक्स्ट बुक कम्प्लीट हो गया, नोटबुक में भी कम्प्लीट हो गया, तो हमारा क्या बचा है, सिर्फ वर्कशीट का वर्क बचा है, ओके। सो वर्कशीट हम कल से करेंगे, ओके। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है। सी इन दिस चैप्टर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क मी ऑन थर्सडे, ओके। थर्सडे आई हैव ऑनलाइन क्लासेस, EVS क्लासेस, सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क मी, ओके। आपकी कोई भी क्वेरीज है अबाउट दिस चैप्टर, सो थर्सडे मेरा ऑनलाइन क्लास है EVS का, आई थिंक दोपहर में होगा, हम टाइम आपको सेंड कर देंगे। तो कोई भी ऐसे क्वेरीज होगा तो प्लीज़ आप, जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं लाइक थर्सडे मेरा EVS रहता है, तब आप कोई भी क्वेरीज हमें पूछ सकते हो, ओके। उस टाइम उस दिन हम ऑनलाइन क्लास में रीडिंग नहीं करेंगे, स्टडी नहीं, ओनली क्वेरीज का डिस्कस करेंगे, ओके। क्वेरीज का डिस्कस करेंगे और मैं हो सके तो मैं 10-10 मार्क्स का टेस्ट भी लूँगी, ओके। जब भी मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है तो टेस्ट लेना ज़रूरी है, ओके। ऐसे ही क्लास टेस्ट, नॉट टेक सीरियस, ओके, सिर्फ क्लास टेस्ट, ओके। सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन, बाय एवरीवन।